नाम का भर ले खजाना, रहना नहीं ये देश बिगा। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। यही ज्ञान दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले अर्जुन को बोला कि जिससे परिवार जनों के लिए, प्रिय जनों के लिए वो इतना उदास है, मायूस है, दुखी है, अगर आत्मा करके देखें तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और शरीर करके देखें तो शरीर की मृत्यु निश्चित है। हर एक के शरीर की जिसका सृजन है उसका विसर्जन, पर जिस आधार पे है, जिस आधार से है, रहता है बस रहता है जो सच्चा होगा। छूट जाता है, मिट जाता वो सब यहाँ जो झूठ होगा। जो भी आंखों से हमें दिखाई पड़ रहा है ये परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव है, पर नहीं बदलने वाला कौन है? जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा और पूरा का पूरा रहेगा, उसमें कमी नहीं है। गुरुजी बोलते थे एक माँ सात बच्चों को, आठ बच्चों को जन्म देकर भी उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी नहीं आ जाती। ये पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति, परमात्मा एक से अनेक हुआ पर फिर भी उस एक की एक अपनी महिमा। हरि भयो खांड रेत में बिखरियो, अस्थि चुनियो न जाए, कह कबीर तित भली बुझाई, चींकी हो चुभ खाई। जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, गीता में भगवान ने बोला वो ज्ञान योग के द्वारा मुझे अपने में देखें, तो रोज रोज का सत्संग आपकी बुद्धि को स्थूलता से उठा के, जो बुद्धि केवल मैं मेरी का चिंतन करती थी, भूत भविष्य का चिंतन करती थी, जो केवल खाने कपड़ा नौकरी धंधा पाई पैसे में उलझी रहती थी, आज उस बुद्धि को गुरु ने थोड़ा हटके क्या दे दिया। अब अपने कल्याण के बारे में भी सोचो, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, केवल विलासिता में जीवन व्यतीत कर देना ये कोई अक्लमंदी नहीं। बहुत तकलीफ होती है दुनिया में जाके देखो लोगों को, जिन्होंने सारी जिंदगी माया को दी, माया वालों को दी, अंत में प्राण निकलते समय मन कभी कहीं भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है। ये सब छूट जाएगा, ये सब मुझे तोड़ना पड़ेगा। ज्ञान क्या कहता है, जब तक है एंजॉय तो भगवान का ज्ञान के, और फिर ऐसे सब कुछ भगवान का दिया। गीता सार लोगों के घरों में चला होता है, न कुछ साथ लाए न कुछ साथ लेके जाना है। जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहाँ का दिया, न कुछ साथ लाए न कुछ लेकर जाओ। पर सारे समय मन कितना संग्रह में रहता है। बोला नवग्रह को तो सब जानते हैं, पर एक और भी ग्रह जो बड़ा जबरदस्त, उन ग्रहों से तो शायद तुम छूट जाओ, पर जो इस संग्रह का ग्रह है कि जन्म मरण का चक्कर देने के। अंत समय में धन में मन गया, घर परिवार में गया, मकान में गया, तो आपको बच्ची दिखाई दे। तो बहुत अच्छी बात भगवान ने बोली, परम गति को कौन प्राप्त करता है, जिसने जान लिया है आकारों में विघटन है, आकार ढहने वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें होटल हॉस्पिटल सालों के साल खड़े होते हैं, बड़े सारे होते हैं वहाँ से, फिर जाकर देखो कभी सारे के सारे गिर जाते हैं, खंडहर हो जाते हैं। धरती से मकान दुकान इमारतें खड़ी होती है, धरती ने किसी ने नहीं बनाई आज तक, धरती कोई अपने साथ लाया? धरती पे इंसान दावा करता है ये मेरी जमीन, ये उसकी जमीन, डाकुओं में नाम,
गुरु जी कहते थे आज जिस तक की कन्या कुमारी है, सचमुच कुमारी है। बहुत सारे लोगों ने इसको दावा किया मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा, पर धरती तो अपनी जगह ही, ये भगवान की है, कुदेवी अच्छी देगी। बाकी इंसान ने बनाने की कोशिश करी, यहाँ से यहाँ तक की जमीन मिली, उस जमीन तो उसके जन्म से पहले भी वहां पर थी, उसकी मृत्यु के पश्चात की जमीन वही रही। बस इंसान का नाम कागजों में बदलता रहता है, बाकी तो ईश्वर की चीज जीव के त्यों भरपूर अखिया खोल जला। तो संसार की नश्वरता गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर बोला, मिथ्या तन धन कुटो समाया। उन्होंने किसी और को मिथ्या नहीं बताया, सबसे पहले मिथ्या किसको बोला, तन, अपना ही तन। जब मैं नहीं तब मेरा नहीं, मैं हूँ और मेरा नहीं ऐसा नहीं। जब मिथ्या तन मेरा ही तन मिथ्या है तो धन भी मिथ्या, सिर्फ फोटो भी मिथ्या, पर मैं हूँ और मैं सबको मिथ्या करके देख रहा हूँ, ये गलत। तू ही नहीं तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तेरा सुख दुख क्या, इंद्र जा रहे ये संसार, सत्यरूप तेरा प्यार की प्यार। यहाँ पर सत्यता क्या है, कौन सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा ही सत्य स्वरूप है और सबने समान रूप से व्यापते है। ऐसा नहीं वो शक्ति किसी में कम है किसी में ज्यादा है, हाथी में भी वही शक्ति है, चींटी में भी वही शक्ति है, कीड़े मकोड़ों में भी वही शक्ति है और इंसान में भी वही शक्ति है। और सब रूप से परमात्मा व्यापते है, हर एक में व्यापते है, पर किसी ने उस शक्ति को जागृत किया, जाना संतों के संग में आके, जैसे गुरु जी बोलते थे सामान्य अग्नि हर लकड़ी में है, हर काष्ठ में, और विशेष कहाँ है, जहाँ वो जागृत अवस्था, जहाँ वो लकड़ी प्रज्वलित है, उसमें अग्नि जल रही है, वहां पे वो अपनी प्रगट रूप से दिखाई पड़ रही है, बाकी सब रूप से सामान्य रूप में अग्नि हर लकड़ी में व्याप्त है। और जब वो लकड़ी भी जब प्रज्वलित जलती हुई लकड़ी के संपर्क में आती है तो उसके भीतर की जो अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है, वो भी जलने लगता है। तो समान रूप से परमात्मा सब घट में है, सब घट में रो साइया सुनी सेज न हो, बलिहारी वा घट की जागत प्रगट हो। बोला हर जगह वो परमात्मा है, पर जिसमें प्रगट है तो मैं उस घट के ऊपर बलिहार जाता हूँ। योगी हृदय निवास, योगी हृदय उदार। तो शरीर छूटने से पहले इसकी सत्यता और इसकी उपयोगिता को हम जाने। इसकी उपयोगिता क्या है, जब तक ना हुआ तेरा प्रभु से मिलन तुमसे कभी नहीं खोना, खोना कभी नहीं खोना, मानुष जन्म को नहीं खोना, क्योंकि मौत है निधिया गहरी। गर्वी बात चली, जब तक दौड़ सकते हो तब तक चलना नहीं, जब तक चल सकते हो तब तक खड़े नहीं होना, जब तक खड़े हो सकते हो तब तक बैठना नहीं, जब तक बैठ सकते हो तब तक लेटना नहीं, और जब तक लेट सकते हो तब तक सोना नहीं, क्योंकि जब सो गए तो मौत रहने दिया। इस नींद से तो दूसरे दिन तुम जाग जाओ, पर फिर फिर निद्रा से कौन उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। तो उस निद्रा में जाने से पहले हम अपना कल्याण कर ले और जान ले किसके लिए शरीर हमको मिला है। मिली तुम्हें ये जिंदगी, करो प्रभु की बंदगी, जो ये भी काम ना किया दिया तो किससे ये दिया। कहीं राजा को अफसोस तो नहीं करना पड़ेगा, सोने का थाल दिया गद्दी उठा रहा। भगवान को भी लगता है इतना सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य तन दिया और ये माया का गद्दी उठा रहे। दुनिया में जाके देखो
जो केवल इस शरीर की उपयोगिता इसकी कद्र गुण के अलावा दुनिया में कोई बताता नहीं। सबका बड़े होना है, पैसा कमाना है, खूब सुख लेना है। बच्चा बहुत भारी बस्ता लेके जब जा रहा था, संत ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे? स्वामी जी स्कूल जा रहा हूँ। बेटा क्या करोगे? पढ़ाई करूँगा। फिर क्या करोगे? नौकरी धंधा करूँगा। फिर क्या करोगे? फिर मेरी भी अपनी जिंदगी होगी, शादी ब्याह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको सेटल करूँगा। फिर क्या करोगे? बोला जैसा सब करते वैसे मैं भी करूँगा। बोला नहीं, फिर बताओ। बोला अंत में क्या? फिर कर रहे हो स्वामी जी, अंत में तो सबको ही मरना है, क्या आप नहीं जाओगे? तो बहुत प्यार से धीरज से उस संत ने उस बच्चे को बोला, बेटा इसका मतलब मरने की तैयारी कर रहे। अब ऐसी ऐसी बातें आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबका लक्ष्य होता है इतने करोड़पति, इतने अरबपति, इतने खरबपति। क्यों? क्योंकि जगत को ही सत्य मान के बैठे, जगत के लिए ही जीवन जी रहे, जगत व्यवहार में उनकी श्वासें उनका समय जा रहा है। पर गुरु कहते हैं नहीं, कुछ समय अपने लिए निकाल के आत्मचिंतन करो, कभी मनन करो, मेरी जैसी जीवन शैली है क्या ये सही है? जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ क्या ये सही है? राजा ने देखा संत नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है, किनारे कर रहा है। वो ज्यादातर किसी दूसरे देश में चढ़ाई करने बड़े लश्कर के साथ, पर संतों की महात्माओं की इज्जत करने वाला था। जब उसने देखा उतरा रथ से और गया प्रणाम करके पूछा, महाराज ये सेवा मुझे बताते, आप क्यों इतने बड़े बड़े पत्थर किनारे कर रहे हैं, क्या करेंगे आप इनका? संत ने बोला, राजन यहाँ तो नहीं, पर मरने के बाद परलोक में अपने लिए बहुत सुंदर महल बनाऊंगा इन पत्थरों से। राजा ने कर दिया। बोला आज ऐसे मुझे बात आप कैसे कर रहे हैं? पूछा क्यों? बोला आप जैसे संत महात्मा को कहते हैं धरती से इंसान स्वयं सबको तो ले भी जा सकता, आप इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने की बात कर। संत खूब जोर से हंसा, बोला ये बात तुझे पता है? बोला हाँ, सुन ये सब बातें आप जैसे विद्वान महात्माओं के द्वारा। तो संत ने बोला, फिर जैसे ये दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है, क्या ये जमीन तेरे साथ जाएगी? जब तुझे पता है सुई भी नहीं साथ जाती है, सुई की नोक जितनी जमीन भी साथ नहीं जाती है, और तू जो जा रहा है फिर चढ़ाई करने, कितना खून खराबा, कितना नुकसान, कितनी बर्बादी जो तू करेगा, इसका हिसाब किताब कौन चुकता करेगा? और ये सब तेरे साथ जाएगी। उसी समय राजा ने विचार छोड़ा, फिर पूछने लगा, आपके साथ जाता क्या है, आप मुझे ये बताओ। संत ने बोला, केवल सत्य की कमाई साथ जाती है, साथ तेरे चले तेरी नेकी बच्ची, बाकी तो धरती का दहेज सब सत्य की छोड़ता है। बढ़कर वचन ये तुम्हारे, हीरे मोतियों से लगे हमको प्यारे, इस मन को तुम्हारे वचन आ गए हैं, हम आज तेरे चरणों में आ गए, हम आज अपनी मस्जिद भूख आ गए। गीता भगवान तेरे वचनों को सुनकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए। तो गुरु हमको हमारी मंजिल का पता बताता है, मंजिल तक पहुंचने का साधन बताता है, कैसे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कोई नहीं ऊंचा जग में, कोई नहीं नीचा, एक प्रभु ने सबको है नीचा।
ईश्वर के चिंतन में किसी का मन लगे तो भक्त कहता चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में रोकेगा, मुझे अपने चरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने चरण में ले लो राम। Thank you.